रामपुर के समेज में तबाही के निशान बाकी हैं। आज प्रशासन की ओर से दूसरे दिन रेस्क्यू कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया है। समेज का जो हिस्सा कुल्लू जिला में आता है, वहां राहत व बचाव कार्य का जायजा लेने डीसी कुल्लू तोरुल रविश भी मौके पर पहुंची। यहां क्षतिग्रस्त स्कूल को सरकारी भवन में शिफ्ट करने के कहा है। प्रभावितों और पीड़ितों को अंतरिम फौरी राहत राशि जारी कर दी गई है। मेरा नाम लता देवी है, ग्राम पंचायत सरगा प्रधान हूँ। और जब मेरे को घटना का पता लगा है, 12:30 बजे का टाइम था और मेरे को फ़ोन किया है। फिर मैंने सुबह 6 बजे पहुँच गई, 7:30 बजे पहुँच चुकी हूँ मैं। और इसलिए मैं यहाँ के स्कूल के बच्चे 8 बच्चे ले गए हैं और उसका भी कोई लापता हो गए है यहाँ से। और 36 लोग कंपनी से थे, 10 थे कंपनी से है, और बच्चे भी और पूरा परिवार ले गया है उनका भी है, और हॉस्पिटल था वो भी ले गया है। और यहाँ स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बच्चे भी बहुत परेशान में, अब ना कोई पढ़ाई हो सकती है और ना कोई कुछ कर सकते हैं। अब प्रशासन भी आ चुके हैं और बात भी हो चुकी है प्रशासन के साथ है। यहाँ प्राइमरी स्कूल की क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यहाँ बच्चे अब परेशान में हो गए हैं। और हम प्रशासन से ये बात कहेंगे, शिफ्ट करेंगे स्कूल यहाँ से और दूसरी जगह के लिए, या उपमंडल होंगे या महिला मंडल हो गए है या कंप्यूटर सेंटर होंगे हैं, और वहाँ के लिए बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाएगी सरकार और प्रशासन के द्वारा हो जाएगी। समेज में कुल्लू साइड पे भी जो क्षति पहुंची है उसको आज आकलन करने के लिए और उसको रिलीफ देने के लिए यहाँ जिला प्रशासन से डीसी एसटीएम तहसीलदार वगैरह सब आए हैं। और 15 परिवार हैं यहाँ प्रभावित, जिसमें से 4 के फुली डैमेज हाउस में, 3 लोग मिसिंग हैं और 1,25,000 की इंटरिम रिलीफ इनको दे दिया गया है और सबके एस्टिमेट्स फाइनल के लिए भी बना दिए गए हैं। यहाँ पे एडिशनली जो 2 इश्यूज हैं, वो एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू है जिसपे अब हम काम कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ हमारे स्कूल बह गए हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी में मिला के 100 बच्चे थे। तो उसको अल्टरनेटली कहाँ चलाना है इसका अभी अरेंजमेंट की जा रही है। जो प्राइमरी स्कूल है उसे महिला मंडल भवन या युवक मंडल भवन में सेटअप किया जाएगा, और सीनियर सेकेंडरी जो नियरेस्ट स्कूल है वहाँ पर उनको टेम्परेली, जहाँ कमरे भी अवेलेबल हैं वहाँ पर उसको करने का प्रपोजल है। तो सभी लोगों के साथ चर्चा होने के बाद इन प्रपोजल्स को फाइनलाइज किया जा रहा है और जो भी यहाँ इमीडिएट रिलीफ मेजर्स हैं उन पर काम किया जा रहा है। धन्यवाद।